इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं फिट एंड फाइन फूड, थिंक बेटर ईट हेल्दियर, सार्थक सीसीटीवी कैमराज, महाकाल स्टूडियो, पहाड़िया गिफ्ट सेंटर, एक्सक्लूसिव फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन ऑफ गारमेंट्स, होम डेकोर, फूड आइटम्स, ज्वेलरी, दिवाली गिफ्ट्स एंड द फुटवेयर आर अवेलेबल इन पटारा ओनली ऑन 10th एंड 11th अक्टूबर इन झांसी होटल, टाइमिंग 11 AM टू 9 PM. The name of trust, Sanju Collection, shirt, t-shirt, lower, carefree, jeans and the variety of chainswear, now available in Mauranipur. To contact 8577932915. शादी हो या कोई समारोह, बनाए अपने हर पल को यादगार, महाकाल स्टूडियो और एल्बम डिजाइनिंग के साथ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए संपर्क करें। महाकाल स्टूडियो एंड एल्बम डिजाइनिंग, मीडिया क्लब नारायण कॉम्प्लेक्स के सामने, तहसील रोड, मऊरानीपुर। सार्थक सीसीटीवी, वी इंस्टॉल ऑल द टाइप ऑफ इंडोर एंड आउटडोर सीसीटीवी कैमरा, द मेन रोड ऑफ रानीपुर। टू कॉन्टैक्ट 8318892960। अपनों को देना है उपहार तो जरूर आए बल्ले पहाड़िया गिफ्ट सेंटर, हर प्रकार के गिफ्ट के लिए एकमात्र स्थान बल्ले पहाड़िया गिफ्ट सेंटर, चौमुखी माता मंदिर के पास, अयाई मऊरानीपुर। राम सिर्फ एक नाम नहीं है, राम हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत है। राम हिंदुओं की एकता और अखंडता का प्रतीक है। राम सनातन धर्म की पहचान है। वहीं हर प्राणी के भीतर कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ बुराइयाँ भी। रावण के साथ भी कुछ ऐसा ही था। रावण का सबसे बड़ा दुर्गुण उसका अहंकार था, जिसने उसका सर्वनाश कर दिया। लेकिन यह भी सत्य है कि रावण में अनेकों खूबियाँ भी थी जो कि रावण को महान बनाती हैं। इसी संदर्भ में जब हमने कुछ युवाओं से एक चटपटा सवाल किया कि अगले जन्म में आप राम बनना चाहेंगे या रावण, उत्तर बड़े ही रोचक मिले। आप भी सुनिए क्या कहा पब्लिक ने। इसी जन्म में मैं रावण नहीं बन पाया, ना ही कोई बात हुई, और राम ही बनना चाहूंगा। राम के आदर्शों को अब आत्मसात करना चाहता हूं हर जन्म में हमारे। लेकिन राम को बड़ा कष्ट सहना पड़ा। ये तो है, उसको आप पहले से क्यों मान लेते हैं कि कष्ट सहना पड़ा? कष्ट तो बाद की बात है, पहले आप उन आदर्शों को फॉलो तो करें। वहीं इसके विपरीत रावण ने बड़े आनंद उठाए हैं, लोग कहते हैं। नहीं, ये हर जगह है, हर समय में है। जो क्राइम है या जो क्या, उसको क्या कहते हैं कि कोई भी ऐसे कार्य हैं जो समाज के विरुद्ध है, उसमें तो आनंद है। अभी भी रावण ही रावण है हमारे समाज में। अगले जन्म में तो एक्चुअली क्या है, आज का जो परिस्थिति देखते हुए उसको तो आप रावण ही चुनना ज़्यादा बेटर करेंगे। क्यों, रावण बनने के आपको किस तरह से फायदे नजर आते हैं? आजकल तो राम बनने में कोई फायदा ही नहीं है ना। आदमी जितना सीधा साधा सच्चा उतना ही परेशान है भविष्य में, हर तरह से, घर में ही परेशान है, बाहर ही परेशान है, पैसे से भी, आर्थिक तंगी से। जब आदमी रावण बनने का सोचता है तो शुरू से ही उसके ऐप दुनिया भर के गलत काम करता है। मतलब आप ये मानते हैं कि रावण बन के बड़ा कंफर्टेबल जिंदगी हो सकती है? जितने जिंदगी जीता उतने तो अच्छा जीता है, बाकी उसे भविष्य में तो कोई किसी के बारे में नहीं जानता क्या आगे चल के होना। लेकिन एट प्रेजेंट जो जीता है वो अच्छी जिंदगी जीता है रावण। यस, तो एक बड़ा दिलचस्प इसमें एक सवाल जुड़ता है कि रावण के साथ आरोप बड़े लगे हैं, तो क्या आप रावण बन के किसी की पत्नी का अपहरण करना चाहेंगे? नहीं, आप रावण बन के पत्नी का अपहरण तो अगर किसी का नहीं करते कर सकते अपन, लेकिन जो अपने चरित्र का जो कल्चर है एक्चुअली वो सिस्टम बदल जाता है। एक्चुअली अपहरण करना नहीं चाहेंगे अपना, लेकिन रावण बनना चाहेंगे? यस, रावण ही बनना चाहूँगा। मतलब रावण बन के आप किसी की पत्नी को अपहरण करना चाहेंगे? नहीं। तो क्या करना चाहेंगे? रावण का जो कैरेक्टर है वो सिर्फ खाली हम लोग एक ही निगाह से देखते हैं कि नहीं भाई ये रावण उनकी राम की पत्नी को ले गया था। तो आप क्या करना चाहेंगे रावण? भाई रावण ने अच्छे काम भी किए ट्रिलर। आप क्या करेंगे? हैं, आप क्या करेंगे? मैं, हाँ, मैं रावण की कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जैसे उसने अपने लिए एक बड़ा साम्राज्य भी खड़ा किया, अपने परिवार के लिए किया, इसलिए आप रावण बनना चाहेंगे। राम बनने में आपको क्या नुकसान समझ आता है? राम में आजकल के समय को देखते हुए आदर्शों का महत्व तो बहुत कम रह गया। राम ही बनेंगे? नहीं, राम क्यों बनना चाहेंगे आप? राम
राम बनने के क्या फायदे हैं, आपको क्या लगता है? रावण बनने के कोई फायदे नहीं है, राम बनना चाहेंगे। क्यों राम बनना क्यों चाहेंगे है? क्यों बनना चाहेंगे? क्योंकि अब सभी लोग रावण हो जाएंगे तो राम कौन बनेगा? आप रावण नहीं है। हाँ। आप में राम की क्या क्वालिटी है जैसे आप कह रहे हैं कि आप राम बनना चाहेंगे? राम इसलिए बनना चाहते हैं कि दुनिया का दुख दर्द जो कौन देखेगा सर? अच्छा, तो राम देखने दुख दर्द देखने के लिए राम दुख दर्द दुनिया के वो हैं कष्ट हरने के लिए कौन है? राम। राम तो आप इसलिए राम बनना चाहते हैं? हाँ। जब आप बोल रहे हैं कि आप राम बनना चाहेंगे तो क्या आपको लगता है कि राम बन के आप अग्नि परीक्षा नारी की जैसे हुई थी उसके भी समर्थक हैं? राम को तो खुद ही ये समझ में नहीं आया था कि समाज में रहना है तो मैं क्या करूं, जबकि ऑलरेडी सीता की परीक्षा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी कहने पे कर दिया। शायद ये राम के जीवन में लिखा था इस दुख को पाना कि सीता को अग्नि परीक्षा देने पर मजबूर किया। तो आपका अपना कहना जरिए है? हमें तो नहीं लगा, क्योंकि हम तो जो देखते हैं राम सीता के लिए वो हमेशा सार्थक जीवन गुजारा उसने। तो आप 100% राम ही बनना चाहेंगे? राम ही। रावण बनने में आपको नुकसान दिख रहा है? रावण बन के कुछ नहीं मिल रहा है। क्या मानते हैं कि राम जैसी एबिलिटी, राम जैसी क्वालिटी आमतौर पे एक सरल व्यक्ति में, सादा व्यक्ति में, आप में है? ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है अपने लिए। कोई व्यक्ति कैसे कह सकता कि मैं राम हूँ या मेरे अंदर वो एबिलिटी है जो राम में है? परंतु हर व्यक्ति को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वो राम ना बन सके पर राम का कुछ अंश वो अपने जीवन में जरूर उतारे, जिससे वो समाज के रावण बनने में नुकसान क्या है तो आपको क्या लगता है? रावण वाली बात जहाँ तक है ये बात सही है, रावण शिव का भक्त था और उस जैसा भक्त होना भी बड़ा मुश्किल का कार्य है। एक बड़ा पंडित था, इसके बाद भी उसने जो कुछ गलत कार्य किए जिसकी वजह से आज कोई भी रावण का नाम लेना पसंद नहीं करता है। मैं शुद्धता रावण बनना चाहूंगा क्योंकि रावण इसलिए रावण ब्राह्मण था मगर कुकर्म ना हो, कुकर्म कोई नहीं होने चाहिए तब मैं ब्राह्मण बनना चाहूंगा। राम बनने में क्या मुश्किल है? राम बनने में कोई मुश्किल नहीं है। राम ने एक छल किया था। क्या? बाली को छुप के मारा था। अगर राम इतने बलशाली थे तो बाली को सामने से मारते। आपका मतलब है कि रावण ने एंजॉय ज्यादा किया था राम के? नहीं, एंजॉय नहीं होता। रावण रावण था। रावण इसलिए बनना चाहिए, रावण के पास जो ज्ञान का भंडार था वो राम जी के पास भी नहीं था। लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लोग उनकी पूजा करते हैं। पूजा करते हैं लेकिन पूजा होती है रावण, ये सबसे बड़ा ज्ञान, क्योंकि जितना ज्ञान रावण के पास था उतना ज्ञान राम जी के पास भी नहीं था। अगर राम जी के पास ज्ञान होता तो वो बाली को धोखे से नहीं मारते। लेकिन रावण को पूरे समाज में लोग पसंद ही नहीं करते। पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके कुकर्म खराब थे, कर्म खराब किया उनने, बस कर्म उनके कर्म खराब थे। नहीं उनसे अगर आप रावण बने तो आप अच्छे कर्म करोगे? अच्छे कर्म करेंगे नहीं तो हमारी ही मौत निश्चित है। आपको लगता है कि आप में रावण बनने की योग्यता है? योग्यता है तो हम जहाँ तक यही कहेंगे कि हम राम की तरह बने, लेकिन हम इतने मजबूत बने कि बुरी शक्तियों से हम निपटारा कर सके उसको। राम ने तो बड़े कष्ट सहे थे, फिर भी आप राम बनना चाहेंगे? बड़े कष्ट सहे थे क्योंकि इंसान जो भी व्यक्ति होता है ना उसके जीवन में संघर्ष तो है साहब, चाहे वो राम हो चाहे रावण हो, संघर्ष सब में हर इंसान में होता है और करना ही पड़ता है। ये तो राम ने जैसे सीता की अग्नि परीक्षा ली थी। हाँ। तो आप भी ऐसा कुछ करना चाहेंगे? सीता की उन्होंने अग्नि परीक्षा जो ली हो तो ली हो साहब, मैंने तो खैर अपने जीवन में कभी अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा नहीं ली साहब। मैं तो जो है उनको बड़ी मदद करता हूँ, उनके प्रति मेरे आज भी 35 साल से अच्छे विचार हैं। डरते हैं उनसे? नहीं, डरते भी नहीं है। राम बनना चाहेंगे? राम क्यों बनना चाहेंगे? जो राम के आदर्श रहे हैं, जो मर्यादा रही है, वो चीज़ हर आदमी होना चाहिए। तो मेरी सोच वही है कि आदमी राम ही बने।
तो आप मानते हैं कि आप में राम बनने की काबिलियत यकीनन है? यकीनन तो नहीं कह सकता, पर यह अपनी सोच है कि जहाँ तक कोशिश पूरी पूरी करना है कि राम के उस पर चले आदर्शों। जैसा आपने बताया कि आप राम बनना चाहते हैं, तो राम ने अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा ली थी, तो क्या आप इसलिए राम बनना चाहेंगे कि अग्नि परीक्षा लेना है? वो परीक्षा वाली बात नहीं है, उसमें ये है जो राम ने अपने माता पिता सबकी बात रखी, उनके उसमें करा है, तो ये चीज़ उनने जो बताई है वो चीज़ देखनी है। अच्छा, रावण बनने में आपको क्या गुरेज है? गुरेज कुछ नहीं है, रावण ज्ञानी था, पंडित था, बहुत बड़ा विद्वान भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको मुक्ति चाहिए तो उसने ऐसे पाप किए। तो आप पाप करना नहीं चाहेंगे? नहीं, पाप तो हर आदमी करता है, थोड़ा बहुत तो करता ही है। हाँ। अब क्या मालूम आदमी कब पाप कर जाए। तो मतलब ये है आप पुण्य की तरफ जाना चाहते हैं? हाँ। ये तो बड़ा पैसा सवाल किया आपने, क्योंकि राम जब अभी बना था जो, तो उसने कितनी वो उठाई थी मुश्किलें, और मुश्किलें उठाने के बाद भी उनका जो है, उससे रावण बनना ज़्यादा अच्छा है। रावण बनने के एडवांटेज बताएं। लेकिन रावण बनने के एडवांटेज, रावण काफ़ी विद्वान था, ज्ञानी था, उसका यश था, उसने एक गलती की थी, तो जो गलती उसने की, अगर वो गलती ना की जाए। अच्छा, तो एक गलती को बचाते हुए आप रावण बनना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। उससे आपको कोई गुरेज नहीं है? वो गलती नहीं करके हम रावण बनना पसंद करेंगे। कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम, जरूर हमें नंबरों पर बताएं। न्यूज़ वीके के लिए ज्योति प्रकाश खरे, झांसी।